यूपी के हाथरस में हुए एक युवती के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में हिसार में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हिसार के सीटीएम के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजवीर सोरखी लोकसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से देश में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी हर जिले में रोष प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रही है। उन्होंने बताया कि सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं इस प्रकार के सभी नारे खोखले हैं। उन्होंने बताया कि समय रहते हुए अगर उस बच्ची का इलाज किया जाता तो उसके जीवन को बचाया जा सकता था। उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और इस तरीके के लगातार घटनाएं भी एक डर का माहौल पैदा कर रही हैं। पूरे देश के अंदर पिछले एक सप्ताह से बड़ा भारी आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंदर लगभग 15 दिन पहले एक बेटी को घर से उठाया जाता है, खेत के अंदर ले जा करके उसका रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद उस बेटी की जीभ को काट लिया जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। ये जो वर्तमान समय के अंदर लंबे समय से देश एवं प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली हुई है, ये जो सरकार बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का नारा दे रही है, इस सरकार के लारे नारे सारे के सारे खोखले हैं, सारे के सारे दावे झूठे हैं। आज देखिए लगभग उस बेटी की मृत्यु होने के बाद वेंटिलेटर पे डाल करके उसको दिल्ली के अंदर ले आ जाता है। समय रहते हुए अगर उस बेटी का ये अच्छे से इलाज करवाते तो शायद वो बेटी आज दुनिया से नहीं जाती, अपने भाई से अपने माँ बाप से वो बेटी दूर नहीं होती और सर्व समाज की बेटियाँ जो हर रोज़ गांव गली मोहल्ले से कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आती हैं, गाँव के अंदर हमारी फैक्ट्रियों के अंदर कंपनियों के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमारी बहनें सुबह घर से तैयार होकर के निकलती हैं तो बेटियों में कहीं ना कहीं सुरक्षा और सरकार के प्रति सर्व सम्मान की भावना पैदा होती। मगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी स्वयं ऐसे समाज से संबंध रखती है और समय में एक महिला होते हुए एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, वो बखूबी तरीके से समाज के अंदर और एक परिवार के अंदर एक दर्द को समझती है और आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जिला यूनिट के द्वारा जिला हेडक्वार्टर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को आदरणीय जिला उपायुक्त महोदयों के माध्यम से पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टरों पर विज्ञापन देने का कार्य आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और तुरंत प्रभाव से हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का अनुदान देने का काम करे, उस परिवार के लोगों को सरकारी नौकरियाँ और उनको सुरक्षा के साथ साथ, जैसा कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर बलरामपुर की घटना है और हरियाणा प्रदेश को भी हम ये बता हरियाणा प्रदेश सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि आज से 10 दिन पहले जजर के अंदर मनीषा की तरह ही एक बेटी का गैंगरेप करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। हरियाणा सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा प्रभारी होने के नाते केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा सरकार भी इस मामले में संज्ञान ले और दोषियों के ऊपर मुकदमा चला करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द निपटा करके सभी दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए।